तो कैसे हैं आप लोग? पता है आजकल आप लोग ना मुझे भर भर के रैप वीडियोस भेज रहे हैं। पता नहीं कौन, नोडी गुप्ता, राजस्थान रिंगुंडे, पता नहीं क्या क्या। यार भाई रैप के आगे भी तो बढ़ना है ना मुझे, मतलब इसमें ही रह जाऊं बिल्कुल? दो चार वीडियोस बना ली यार, काफी होती है यार, तुम तो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं रैप वीडियोस करूंगा नहीं, लेकिन भाई जो अजीब सी और मतलब जो लायक होंगी उस चीज के, क्यों नहीं करूंगा यार भाई, यही तो धंधा है मेरा। और आप लोग कुछ ऐसी वीडियोस भेजते हैं जो अजीब होती है, लेकिन मैं उसके साथ कुछ कर नहीं सकता, जैसे कि ये मेट्रो से दिल्ली में बाहर आई है वाजी बाबा, मेट्रो ने सारी दिल्ली चमकाई है वाजी बाबा। क्या करूं इसका मैं बहनचो, दो लड़कियां एक लड़के के साथ नाच रही है चूतिये से गाने पे, क्या है ये? क्या करूं भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में, है ना? तो मैं बस इतना कह रहा हूँ भाई, जो वीडियो तुम लोग भेज रहे हो और भेजो, मैंने मना नहीं किया बिल्कुल, भाई दबा के भेजो, मेरे को और अच्छा लगता है भाई, तुम लोग मेरा काम इजी कर रहे हो, है ना, भेजो यार। लेकिन पता है जरूरी नहीं है कि मैं उसको यूज करूं, मतलब अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली करूंगा यार, क्यों नहीं करूंगा मैं। तो चार पांच दिनों से ना मुझे लोग कह रहे हैं यार आई टू आई करो, आई टू आई करो। मैं सही में परेशान आ गया हूँ, ऐसा मेरे को परेशान लव चार्जर में भी किया था और अब सेम हो रहा है। कर देता हूँ यार, मैं कर देता हूँ, कर रहा हूँ यार, प्लीज़ अब दोबारा मत बोलना मुझे आई टू आई करने को, मत को मतलब भैंचो, जब मैंने पहली बार देखी ना मेरा दिमाग खराब हो गया था, गंदा वाला। तो बिना किसी बकचोदी के ना यार शुरू करते हैं। क्या ये बैकग्राउंड म्यूजिक? भैंचो किसी महंगे रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, कढ़ाई पनीर पेल रहा हूँ मैं, और पीछे ये बंदे पता नहीं क्या जैज बजा रहे हैं। साले इतना क्या बजट कम था कि किसी बैंड वाले को हायर नहीं कर पाया तू? भाई बैंड तो हर टाइप के आते हैं यार, कुछ लोगों की फीस तो सिर्फ एक प्लेट राम लड्डू होती है। भाई इसके बिना तो भाई मानने वाला थोड़ी ना था ये। ऐसी फोटो पता कब आती है? जब आप पासपोर्ट या किसी डॉक्यूमेंट के लिए फोटो खिंचवाने जाते हैं। भाई ये बंदा पांच छह जानवर खा के बैठा और सोच रहा है छठा खाऊं ना खाऊं। अदे यार एक्सप्रेशंस का ट्रांजिशन देखो कितना तगड़ा है। पहले तो भाई ऐसी शक्ल बना रहा था भैंस जो किसी जानवर का रेप कर रहा है, और अब ऐसी शक्ल बना रहा है जैसे कल ही इसके बेटे की शादी होने वाली हो और खाने का फ्री में जुगाड़ हो गया हो। पता है एक नॉर्मल म्यूजिक वीडियो में क्या होता है? दो चार लड़के होते हैं और भर भर के लड़कियां होती है। इसकी वीडियो में ये अकेला है और उसके ऊपर से इसका डुप्लीकेट और आ गया। भाई क्या है यार, साले ग्रीन स्क्रीन का अकेला इसने फायदा उठाया, सबसे बढ़िया सारे काम इसने किए, गाया इसने, प्रोड्यूस इसने किया, बहनचोद क्या एडिटिंग भी इसने की होगी भाई सारे काम। इतने टैलेंटेड आदमी के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना, मैं नहीं जानता किसी को कितना इतना टैलेंटेड कौन हो सकता है यार, नहीं मतलब ही नहीं कोई इतना टैलेंटेड हो। इतना थका हुआ डांस ना मैंने आज तक किसी म्यूजिक वीडियो में नहीं देखा। वो नहीं होते क्लासी बुड्ढे बिल्कुल एक हाथ में पैग होता है और भैंचोद दूसरे हाथ को हिला रहे होते थोड़ा थोड़ा, भाई बिल्कुल वैसा डांस है कसम से। एक रुपया नहीं खर्चा इसने डांसिंग में, तो भाई जो इसे आता था वही चेप दिया। क्या है साले, फोड़े फुंसी हो रहे हैं, आंख की तो बात छोड़ साले अपने चेहरे की बात कर, क्या है ये? साले स्कूटी पे बाहर निकलना बंद कर दे, एक सस्ती सी गाड़ी ले ले, कम हो जाएगी प्रॉब्लम। फेस वॉश लगा लिया कर यार कभी तो, बहन जो ढंग से नहा लिया कर हफ्ते में एक दो बार। आई ट्राई मेक्स हैप्पी केरल लव लाइफ टाइम वंस इन अ लाइफ सब्सटेंशियल लव इज हेवन फॉर प्रिसाइज आईज स्पेक्टेकुलर आईज आवर आईज माय आईज एंड योर आईज आई टू आई आई टू आई आय हाय आय हाय। इसकी आवाज ना पता कैसी है, गांव में जो पेड़ के नीचे जो मास्टर जी पढ़ाते हैं ना वैसी आवाज है इस बंदे की। और भाई यार कितनी बार कह रखा है यार, जब पता है इंग्लिश नहीं बोली जाती ना अपनी मातृभाषा में गा दिया करो, ज्यादा बढ़िया हिट हो जाएगा गाना। भाई नहीं, इंग्लिश में ही ठूसना अपने आप को, पता नहीं क्या है यार इंग्लिश के तो पीछे ही पड़ गए हैं लोग। यार एक बार ना मेरे साथ सोचो, आप पता है स्कूल से वापस आ रहे हो पैदल और एक ओमनी वैन आपके सामने आके रुकती है, एक बंदा उसमें से निकलता है और आपके ऊपर कुछ थूकता है,
और आप उसकी वजह से बेहोश हो जाते हो, और वो आपको बोरी में बंद करके वैन में रख देता है। जब आपकी आंखें खुलती है ना, तो आपको पता चलता है आप एक 4x4 के कमरे में हो और ये बंदा ऐसी शक्ल बना के आपके पास आ रहा है। भाई कोई भी पैंट में मुंह देगा आराम से। इस वीडियो के रिलीज होने के बाद ना पूरी दुनिया ही बदल गई। इसके माँ बाप ने इसको डिसोन कर दिया, इसके रिश्तेदार इसको इग्नोर मारने लगे, और जितने भी लोगों ने इसकी वीडियो देखी और उनके लंबे बाल थे वो उसी समय गए और गंजे हो गए। कुछ इंजीनियर्स ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, और इसी तरह राम रहीम का ट्रेंड भी चालू हुआ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से मेरी चौड़ बढ़ती है, लाइक करने से मैं दोबारा नहीं बोलने वाला हूँ। चलो अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी अपने यार मेरे को कुछ नहीं करना सही में, मैं बहन चो पौन देखूंगा और अपना हिलाऊंगा और क्या। यार मोहित कर दे यार शुरू, लाइट नहीं है। अबे यार ये साले 2 मिनट बारिश होती नहीं, लाइट चली जाती है पूरे दिन के लिए। कोई नहीं, एक काम कर इन्वर्टर यूज कर ले, 10 सेकंड की तो बात है।